नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। वेस्ट बंगाल फिशरीज डिपार्टमेंट ने निकाली रिक्तियां। वेस्ट बंगाल फिशरीज डिपार्टमेंट ने फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर के 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास फिशरीज साइंस में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट www.wbpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बीती रात भूकंप के झटकों से कांपे बिहार के कई जिले। राजधानी पटना में भूकंप के झटके ने देर रात लोगों को सहमा दिया। बीती रात 9:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि कंपन का असर कुछ सेकंड तक ही रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। वहीं इसके अलावा सूबे के नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद और सासाराम जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रात की बात यह है कि भूकंप से अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राजधानी के बोरिंग रोड, आशियाना नगर, पटेल नगर में रात को भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग बाहर घर से निकल गए और देर रात तक भी घरों से बाहर खड़े रहे। प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मामला कोर्ट में फिर से अटका। राज्य के 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला फिर से लटक गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने जिस वजह से स्टे लगाई है उसका कारण है कि ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से नियोजन पर आपत्ति जताई गई है। ब्लाइंड आरक्षण से जुड़ी एक आपत्ति पर हाईकोर्ट ने 34,500 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाई थी। इसी के दायरे में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया को भी ले लिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट को इस मामले में भी स्टे लगाना पड़ा। आपको बता दें कि काफी धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही काउंसलिंग की तारीख निकाली जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब अगले आदेश तक इसे स्थगित कर दिया है। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा का मूल्यांकन 28 फरवरी से। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा की समाप्त होने के बाद कॉपी के मूल्यांकन की तारीख की भी घोषणा कर दी है। इंटर का मूल्यांकन 28 फरवरी से होगा, जबकि मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद उसका मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यह जानकारी बोर्ड द्वारा सभी मूल्यांकन केंद्रों को दे दी गई है। हर जिले में उत्तर पुस्तिका की संख्या के अनुसार मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत मूल्यांकन के समय पर होने के लिए बिहार बोर्ड ने कई विषयों का मूल्यांकन 2 पालियों में करवाने का आदेश दिया है। यह इंटर और मैट्रिक दोनों में लागू होगा। बोर्ड की माने तो जिन विषयों में शिक्षक कम हैं, उन विषयों का मूल्यांकन 2 पालियों में किया जाएगा और मूल्यांकन हर जिला के मुख्यालय में ही किया जाएगा। कल से शुरू हो जाएंगी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कल यानी कि 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि इसके लिए राज्य के 38 जिलों में 1525 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार की परीक्षा में कुल 16,84,466 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें से 8,37,803 छात्र शामिल हैं। वहीं लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। इस बार की परीक्षा में 8,46,663 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं परीक्षा 2 पालियों में होंगी। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने किसी भी समस्या के लिए कंट्रोल रूम्स भी बनाए हैं और टोल फ्री नंबर को भी जारी किया है। मखाना उत्पादन से जुड़े प्रोजेक्ट को बिहार कृषि विश्वविद्यालय दी हरी झंडी। मखाना की फसल की बर्बादी को कम करने और इससे दोगुनी कमाई करने के लिए एक स्टार्टअप को बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने अपनी सहमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब मखाने के बीज को संरक्षित किया जाएगा। लुधियाना की कंपनी में 3 साल तक काम करने वाले सहरसा के एक किसान शाहिद परवेज ने मखाना के बीज को संरक्षित करने के तरीके पर काम शुरू किया है, जिसे BAU से हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत अब कृषि मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि लुधियाना की कंपनी ने पोपिंग मशीन तैयार की है, जिसकी मदद से न सिर्फ मखाने को तैयार किया जाएगा बल्कि रोस्टिंग का काम भी होगा। रोस्टिंग से यह फायदा होगा कि किसान खेतों से बीज निकालकर 8 महीने तक उसे रख सकते हैं। जब बीज की कीमत अधिक होगी तो उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिहार में स्किल के अनुसार युवाओं को मिलेगा रोजगार। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही रोजगार को लेकर एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत विज्ञान और तकनीकी से जुड़े युवाओं को स्किल के अनुसार रोजगार दिए जाएंगे। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने बताया कि बिहार में IIT, BIT, ITI जैसे टेक्निकल प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को उनके स्किल के अनुसार काम उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा विभाग विज्ञान से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक करेगा। इसके साथ ही छात्रों में भी वैज्ञानिक सोच लाने के लिए व्यापक योजना बनाकर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बातें मंत्री सुमित सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही है।
अब कोई भी पुलिसकर्मी शराब के साथ पकड़े गए तो हो जाएंगे बर्खास्त। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी हर रोज भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होती है, जिसमें कई बार पुलिस वालों की मिलीभगत भी सामने आती है, तो कई बार पुलिसकर्मियों को भी शराब के साथ पकड़ा गया है। इन सब पर रोक लगाने के लिए सूबे की नीतीश सरकार ने करा रुख अपनाने का विचार कर लिया है। इसके तहत पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी को शराब का सेवन करते हुए देखे जाने पर उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने स्थानीय स्तर पर चौकीदारों से भी इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि शराबबंदी के पूर्व शराब का धंधा करने वाले क्या काम कर रहे हैं, इनके विषय में जानकारियां उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को मिला सरकारी आवास। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नव निर्वाचित मंत्रियों को सरकारी आवास अलॉट कर दिए गए हैं। इसके तहत उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को 3 टेलर रोड में आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू को 33 हार्डिंग रोड, मंत्री सुभाष सिंह को 21 हार्डिंग रोड, जबकि मंत्री सुमित सिंह को 22/10 बेली रोड स्थित सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री लेसी को 15 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ है। इसके अलावा जदयू और बीजेपी कोटे से बने सभी नए मंत्रियों को उनका सरकारी बंगला दे दिया गया है। इन संस्थानों से स्नातक डिग्री लेने पर लड़कियों को मिलेंगे 50,000 रूपए। हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर और स्नातक करने वाली छात्राओं को दी जाने वाली राशि में इजाफा किया है। इसके तहत अविवाहित छात्रों को इंटर पास करने पर 25,000 रूपए, तो वहीं स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री लेने पर 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत अब शिक्षा विभाग ने जिन जिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से स्नातक या समकक्ष पास करने पर छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, इसकी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार बिहार के 15 यूनिवर्सिटी, 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावे कृषि एवं पशुपालन फिशरीज डिपार्टमेंट के तहत भी स्नातक करने पर छात्राओं को 50,000 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉ यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा संचालित 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि के लिए भी ये नियम लागू होंगे। 21 से 27 मार्च तक राज्य में दिखेगा क्रिकेट का महाकुंभ। जल्द ही बिहार में क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जल्द ही बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन करने वाली है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि बिहार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और एक बड़ा मंच देने के लिए इस लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इस लीग को BCCI के रूल और रेगुलेशन के तहत ही कराया जाएगा। इस लीग के लिए 5 लोकेशन के रूप में आरा, गया, भागलपुर, दरभंगा और पटना को चिन्हित किया गया है। इसमें 100 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसका ऑक्शन 27 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें 13 मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ ही हर टीम के मेंटर इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी होंगे, जिसमें वेंकटेश प्रसाद, सनत जयसूर्या, तिलक रत्न दिलशान, RP सिंह और डेनी मॉरिसन का नाम शामिल है। इसके साथ ही मैच का लाइव टेलीकास्ट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैनल पर भी होगा। राजपाल कोटे से MLC का मनोनयन होगा बहुत जल्द। बिहार में राजपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों का चुनाव होना है, जिसके लिए भाजपा और जदयू नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में मनोनयन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से इन सीटों पर मनोनयन के लिए जनक चमार, बेबी देवी, प्रेम रंजन पटेल और घनश्याम ठाकुर का नाम तय माना जा रहा है। वहीं राजपूत जाति से संजय टाइगर, निवेदिता सिंह और राकेश सिंह का नाम प्रदेश की ओर से केंद्र को भेजा गया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भूमिहार जाति से देवेश कुमार, अनिल शर्मा में से किसी एक को विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके अलावा जदयू से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का नाम विधान परिषद में जाना तय माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि हम पार्टी के खाते में भी एक सीट जाने वाली है। वन रक्षकों के लिए बनाए जाएंगे इंटरनल फंड, दिए जाएंगे हथियार। वन रक्षकों को सरकारी अनुदान के लिए लंबे समय का इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए सरकार एक इंटरनल फंड बनाने जा रही है। इसके तहत वन रक्षकों के साथ कोई हादसा होने पर उनके परिवार को सहायक अनुदान मिलने में देरी होने पर आर्थिक मदद दी जाएगी। इसको लेकर वन पर्यावरण विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने वन वीरता दिवस के रूप में कई घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने कहा है कि वन रक्षकों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार भी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। सुशांत सिंह मौत मामले में आया एक नया मोड़। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ उनकी मेडिकल पर्ची में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा का आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाया था, जिसके बाद सुशांत सिंह की दोनों बहनों ने प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर अब मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया है। वहीं बहन नीतू सिंह को इस मामले में राहत दी गई है। इस मामले
मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं, मगर नीतू सिंह के खिलाफ मामला नहीं दिखता है, इसलिए याचिकाकर्ता प्रियंका सिंह के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि प्रियंका सिंह पर उनके भाई सुशांत के मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का कथित आरोप है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लिया इंग्लैंड से बदला। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 317 रनों से हराकर पहले मैच के हार का बदला ले लिया है। अब अगला टेस्ट मैच 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 89 साल के इतिहास में रन के लिहाज से यह टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को 1986 में लीड्स में 289 रनों से हराया था। दूसरे टेस्ट मैच में अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, जिसके साथ ही वो ऐसा करने वाले देश के छठे गेंदबाज बन गए। जबकि इंग्लैंड की दूसरी पारी में मोइन अली ने सबसे ज्यादा 43 रन और कप्तान जो रूट ने 33 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 329 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 134 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन और जीत का क्रेडिट सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को जाता है। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।